चौथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व का अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक आकर पुनः अधिकतम मान तक पहुंचने पर एक दोलन पूरा होता है। चित्र क्रमांक 12। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में तरंग के एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या की गणना करें तो हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसे सामान्यतः अक्षर N से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI पद्धति में मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज है। ध्वनि की तीक्ष्णता तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच निम्न संबंध होता है। T = 1/N या N = 1/T। पांचवा, ध्वनि तरंगों की चाल स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। एक दोलन पूर्ण करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर एवं समय आवर्तकाल टी के बराबर होता है। अतः V = λ/T। चूंकि N = 1/T अतः चाल बराबर N λ अर्थात चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। ध्यान रहे कि ध्वनि तरंगों की चाल केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि उसके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति पर।